हम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस, सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि 29 नवंबर 2023 का करंट अफेयर है। तो चलिए इसे देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहला है कि अब्दुल्लाही मिरे बॉर्न इन सोमालिया एंड रेस्ड इन दादाब रिफ्यूजी कैंप इन केनिया हैज़ बिन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 2023 UNHSR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड ग्लोबल लॉरेट रिकॉग्नाइज फॉर एक्सेप्शनल एफर्ट्स इन एडवोकेटिंग फॉर द राइट ऑफ एजुकेशन फॉर डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन। मेरे हैज़ डिस्ट्रीब्यूट अबाउट 1 lakh books to young individuals in Kenya. The award ceremony is scheduled to take place in Geneva, Switzerland on December 13, 2023. ठीक है, तो ये अब्दुल्लाही मिरे जो सोमालिया में पैदा हुए हैं और दादाब एक रिफ्यूजी कैंप है केनिया में, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसे कि दादाब जो है वो रिफ्यूजी कैंप है केनिया में, उनको 2023 का UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये अवार्ड कहाँ मिलेगा? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट टू इम्बार्क ऑन अ 2 डे विजिट इन दुबई। तो दुबई में 2 दिन के लिए विजिट के लिए गए हैं। ये समिट जो है वो पार्ट ऑफ 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एम्स टू कंसेंट्रेट ऑन इमिशन रिडक्शन एंड सपोर्ट फॉर डेवलपिंग नेशन इन कोपिंग विद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। मतलब वही कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है सराउंडिंग्स में वो ना हो और उसको कैसे कॉप अप किया जाए, उसके लिए ये मीटिंग, ये समिट रखा गया है। अगला है हेनरी किसिंगर रिनाउंड फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड नोबल प्राइज लॉरेट पास अबेट एज 8 of 100 एज एट हिज रेजिडेंस इन कनेटिकट अ पिवोटल फिगर इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। किसिंगर लेगेसी इज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग हिज रिसेंट एंगेजमेंट इन द व्हाइट हाउस पब्लिकेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल बुक्स एंड टेस्टिमनी ऑन नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर थ्रेट बिफोर अ सेनेट कमेटी। तो बेसिकली ये हेनरी एक नोबल प्राइज विनर थे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि, और ये US से है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यही सब पूछा जाएगा। अगला है काशी तमिल संगम सेकेंड फेज इज शेड्यूल फ्रॉम 17th to 30th ऑफ द अपकमिंग मंथ लॉन्च्ड बाय IIT मद्रास प्रोग्राम्स एम्स टू स्ट्रेथन द कल्चर टाइज बिटवीन वाराणसी एंड तमिलनाडु बाय फैसिलिटेटिंग कनेक्शंस अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज। तो काशी तमिल संगम का दूसरा जो फेज़ है वो 17 से 30 तारीख तक होगा, ठीक है, तो ये आपको बस याद रखिएगा, ये दूसरा है सेकंड फेज, पहला हुआ था ये तमिलनाडु और वाराणसी के बीच का जो कल्चरल टाई है उसको बढ़ाने के लिए। अगला है द नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट एंड द इंडियन रिसर्च प्रोजेक्ट फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक इनोग्रेटेड द मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर क्लाइमेट अडेप्टेड एग्रीकल्चर एट MPAU अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है, ये अब थोड़ा ध्यान रखिए कि एक तो ये कहाँ पे है, तो अहमदनगर महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसे वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है, बस यही, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटीग्रेटिंग योगा इन टू द स्कूल एजुकेशन ऑर्गेनाइज बाई कैवल्य धम एज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशन। ठीक है, तो योगा को स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में डालने के लिए इन्होंने इनोग्रेट किया है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जैसे योगा के बेनिफिट क्या और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है उनके बारे में जानने के लिए। द इंडियन ऑस्ट्रेलियन आर्म फोर्सेज कंडक्टेड टैक्टिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2023 इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रा इंद तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है का हो गई, पता चल जाए, लेकिन हुआ कहाँ था ये इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया में कि इंडिया में? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। इंडिया एक्सटेंड्स इट्स कमिटमेंट टू हाउसिंग डेवलपमेंट इन श्रीलंका बाय कंस्ट्रक्टिंग एन एडिशनल 10,000 हाउसेस इन प्लांटेशन एरिया। इंडिया ने अपना कमिटमेंट और डेवलपमेंट कमिटमेंट बढ़ाने के लिए इंडिया श्रीलंका की तरफ में और 10,000 नए हाउसेस बनाने का बात किया है। विद एन एग्जिस्टिंग कमिटमेंट ऑफ 60,000 हाउसेज अंडर द इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट द कंप्लीटेशन 46,000 हाउसेज नॉर्थ फॉर द थर्ड फेज का, मतलब 60,000 घर में से उन्होंने 45,000 घर लगभग बना दिया है और अब 4,000 घर अगला फेज चालू होने वाले, इसके अलावा और 10,000 बनाने की बात की गई है। तो ये अच्छा स्टेप है कि एक पड़ोसी देश है हमारा जो कि थोड़ा वीक है तो उसे ठीक करने के लिए देश कर रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज सेट टू अपग्रेड इट्स इंडिजीनियस एंटी कॉलिजन कवच 4G 5G टेक्नोलॉजी कवच एंड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। तो ये कवच क्या, एक तरह का ऑटोमेटिक
ट्रेन प्रोटेक्शन है जिससे ये कर सकते हैं कि दो ट्रेन के बीच में आपस में कॉलिजन ना हो, ठीक है। करेंटली ऑपरेशन अक्रॉस 1465 रूट किलोमीटर्स, एफर्ट्स अंडर टू एक्सपेंड इट्स कवरेज। तो जितना ज़्यादा ये बढ़ा सकेंगे उतना बेटर है, ठीक है। नितिन गडकरी वर्चुअली इनॉग्रेटेड क्लासिकल इम्पीरियल। नितिन गडकरी ने एक वर्चुअली क्लासिकल इम्पीरियल लग्जरी क्रूज वेसल, मतलब लग्जरी जो क्रूज होता है, जो बोट जिसको बोलते हैं हम लोग, जेट्टी बोल सकते हैं, उसको इनॉग्रेट किया और मरीन ड्राइव इन कोची, कोची में उसको इनॉग्रेट किया है। वर्चुअली किया है मतलब बैठ के कहीं से वहाँ पे किया गया है। अगला है उगांडा अचीव अ रिमार्केबल विक्ट्री सिक्योरिंग अ प्लेस इन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप डिफीटिंग जिम्बाब्वे। दिस हिस्टोरिक क्वालिफिकेशन मेक्स उगांडा द फिफ्थ अफ्रीकन नेशन टू पार्टिसिपेट इन द T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो उगांडा पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि छोटा बहुत गरीब देश है और वर्ल्ड कप में आके खेलना बहुत बड़ी बात होती है अगर क्वालिफाई कर जा रहे हो। तो उगांडा के साथ ये पांचवा ऐसा अफ्रीकन देश हो गया जो कि खेल चुका है, ठीक है। और T20 वर्ल्ड कप जो होगा 2024 वाले में कहाँ पे होगा, वेस्ट इंडीज और USA में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे करंट अफेयर्स से। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।